हेलो दोस्तों, मैं सीएमए गौरव स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई प्लैप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप बिना माउस को यूज करके एक्सेल के डिफरेंट सेल्स पोजीशन पर मूव कर सकते हैं या एक सीट से दूसरे सीट में कैसे मूव कर सकते हैं और अपनी डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशंस को फास्ट एंड आसान कैसे बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक्सेल की एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए हम कीबोर्ड का एरो की का इस्तेमाल करते हैं एंड सेल्स या रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा लार्ज है और सेल्स के बीच में मूव या सेल्स को सेलेक्ट करना है तो ये काम लेंथी हो जाएगा और आपका काम काफ़ी टाइम लेगा। आइए जानते हैं कि हम कीबोर्ड्स के बटन कंट्रोल की के साथ ये काम कैसे आसान बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों बेल का बटन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों हम देखते हैं एक्सेल में कंट्रोल एंड शिफ्ट की मदद से हम एक्सेल में मूव कैसे करेंगे और एक्सेल की के सेल्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एक्सेल में हम नॉर्मली मूव करने के लिए हम एरो की का यूज करते हैं। अगर हम एक बार एरो की में एक बार प्रेस करते हैं तो अब जा रहा है, डाउन एरो प्रेस किया तो डाउन जाएगा, लेफ्ट प्रेस किया तो लेफ्ट एरो पर जाएगा, लेफ्ट मूव होगा, और राइट प्रेस किया तो उसके अपने राइट में मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी डेटा में मूव करना है, सपोज करो मुझे यहाँ पे हूँ मैं और यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ से कैसे पहुँचूँ? या तो मैं एक एक करके पहुँचूंगा, ठीक है, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है अगर मेरा डेटा बहुत ही लार्ज हो। ठीक है, तो एक्सेल इस प्रॉब्लम को दूर करता है अपनी कंट्रोल की मदद से। हमारे पास एक कंट्रोल की का शॉर्टकट कमांड है जिसमें हम कंट्रोल प्लस एरो का की का यूज करते हैं। ठीक है, इस की के साथ हम इजीली मूव कर सकते हैं। ये की करता क्या है, हमारी नेक्स्ट जब भी हम किसी सेल से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वो फाइंड करेगा आपका नेक्स्ट ब्लैंक सेल, यानी कि आपके किसी सीरीज ऑफ डेटा के बाद जैसे ही उसको ब्लैंक सेल मिलेगा उस डेटा के लास्ट में आपको पहुंचा देगा। उसके बाद फिर अगेन फाइंड करेगा, जैसे ही उसको नेक्स्ट इंटर्ड डेटा मिलेगी वहां पे आपको लेके आएगा, फिर जैसे ही मूव करोगे नेक्स्ट इंटर्ड के बाद ब्लैंक डेटा मिलेगा वहां मूव करेगा। ठीक है, वैसे ही अगर राइट में करो या लेफ्ट में करो या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, सारी पोजिशन हम यहाँ से हम कंट्रोल की के साथ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करता है। तो जब भी हम जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर रहे हैं, एक्सेल हमें 13 नंबर पे लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके डायरेक्टली अब इसके बाद क्या हमारा ब्लैंक सेल, फिर इसके बाद जैसे हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर रहे हैं तो हमें 16 पे लेके जा रहा है, फिर जैसे हम 17 कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर रहे हैं हमें 17 पे लेके जा रहा है, यानी कि जब उसको कोई डेटा मिल रहा है वहां पे लेके जा रहा है, फिर उसके बाद जैसे कोई ब्लैंक सेल मिल रही है वहां पे आपको लेके जा रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल करूंगा तो 19 पे, फिर 21 पे, वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि अप एरो के साथ करूंगा तो कंट्रोल प्लस तो 19 पे, फिर नेक्स्ट इंटर डेटा पे, फिर नेक्स्ट डेटा पे जहां से सेल ब्लैंक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटर डेटा पे, फिर उसके बाद सीधा आपको यहाँ पे लेके आया, उसके बाद कौन सी है सेल ब्लैंक है। वैसे ही राइट में कंट्रोल प्लस राइट किया, मैं डायरेक्टली कहाँ पहुंचूंगा, अप्रैल सैलरी पे, और अब करूंगा तो जुलाई की सैलरी पे, और अब करूंगा तो टोटल पे, और अब करूंगा तो जब कोई वैल्यू मिलेगी ठीक है, नहीं तो वो एक्स एफ डी पे लेके चला जाएगा। ठीक है, ये तो ही हमारी मूविंग की बात, यानी कि मुझे अगर डायरेक्टली सपोज करो मैं इस सेल पे हूं और मुझे डायरेक्टली इस सेल पे आना है, ठीक है, तो मैं नॉर्मल एरो की का यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा सीधा कंट्रोल की मदद से मैं लेफ्ट में मूव करूंगा, अप्रैल पे जाऊंगा, दबा के रखूंगा कंट्रोल, छोड़ना नहीं, फिर कंट्रोल जैसे ही दबाया, कंट्रोल दबा के जैसे ही एक बार लेफ्ट की दबाई सीरियल नंबर, देन अब दबाया तो मैं डायरेक्टली 13 पहुंच गया। मुझे सीधा टोटल पे पहुंचना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ टोटल पे पहुंचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ऊपर जाऊं और फिर ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाऊं, या मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ इस सेल पे आऊं फिर ऊपर जाऊं और ऐसे जाऊं, कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऊपर जा रहे हैं और फिर राइट एंड देन फिर राइट एंड देन अब छोड़ देना है। ठीक है, या तो आप छोड़ के ही मूव कर सकते हो तब भी वहीं पहुंचोगे, और जैसे कि हम नहीं यहाँ पहुंच गए, तो इस तरह से हम एक्सेल की सेल्स के बीच में मूव कर सकते हैं। अब आपको पता है डेटा सेलेक्ट करना, ठीक है,
अगर मुझे किसी डेटा को सिलेक्ट करना है या किसी रेंज को लिखना है अपने किसी फॉर्मूले के अंदर में, या उस किसी रेंज को सिलेक्ट करना है, तो वो काम हम शिफ्ट की मदद से करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी सेल्स के शिफ्ट को, किसी सेल के रेंज को हमें अगर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको हम शिफ्ट की मदद से करते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पे इसका टोटल चाहिए कि अप्रैल की सैलरी का ये टोटल क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे इक्वल टू सम का, ठीक है, और फिर उसके बाद इक्वल टू सम, और फिर उसके बाद, और उसके बाद हम यहां से लेके यहां तक का रेंज अपने माउस की मदद से सेलेक्ट करते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं। लेकिन ये तो काम सर माउस से किया, कीबोर्ड से करके बताइए, कीबोर्ड से कैसे होगा? आपको पता है शिफ्ट जब भी हम प्रेस करते हैं तो सेल सेलेक्ट हो जाती है, और शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेक्स्ट सेल भी सिलेक्ट हो जाता है। जितनी बार हम डाउन एरो दबाएंगे उसकी नेक्स्ट सेल सिलेक्ट होती जाएगी, यानी कि शिफ्ट के साथ जब भी हम कोई भी बटन दबाते हैं तो उसका नेक्स्ट वाला कॉलम या नेक्स्ट सेल्स हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं, और जब शिफ्ट दबा के हम वापस रिवर्स जाते हैं तो वो जो सिलेक्टेड सेल्स है वो हमारा अनसिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुझे यहां से लेके यहां तक के सेल्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक के सेल को सिलेक्ट करना है। देखो एक बार में हो गया, अब ये कैसे किया हमने तो उसको जानते हैं। हमने बोला था कि कंट्रोल की मदद से हम मूव करते हैं, यानी कि हमें यहां से लेके यहां मूव करना है तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो हम यहां पहुंच गए। तो अगर कंट्रोल को हम शिफ्ट के साथ कंबाइंड कर दें, ठीक है, यानी कि बटन क्या बना ले, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तो ये मूव भी करेगा यहां से लेके यहां तक, और साथ में क्या करेगा, सेलेक्ट भी करेगा। तो जैसे हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो किया, ये सेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिलेक्शन आ गए। अब इसमें हम फॉर्मूला में नीचे लिख सकते हैं इक्वल टू सम फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे सिलेक्ट क्या करना है, यहां से लेके यहां तक करूं या ऐसे से इधर से इधर जाऊं या इधर ऊपर से नीचे आऊं, बात बराबर है। तो हमने इसके बाद, अभी हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं यूज करना, हमें कहां पहुंचना है, यहां पे, तो हम सिंपल एक एरो के साथ पहुंच जाते हैं। अब यहां पे दबाएंगे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और जैसे आप एरो करेंगे यहां से हम यहां तक, लेकिन हमारे सेल में अप्रैल की सैलरी भी जहां पे वर्ड है वो भी लिख गया। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं, मैंने क्या बताया था कि शिफ्ट दबा के जब हम वापस रिवर्स ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो मुझे एक सेल मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर वापस रिवर्स ऑर्डर लोगे, यानी कि डाउन एरो दबाओगे, तो ये पूरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं पूरा सेलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल का कमांड छोड़ दूंगा, ठीक है, और फिर आपको कंट्रोल के बाद सिर्फ शिफ्ट दबाना है और फिर एक नीचे सेल डाउन कर देनी है। अब ये मेरा सेल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ, मेरा रिजल्ट आ जाता है। अब मुझे इसका भी टोटल चाहिए, जुलाई जुलाई की सैलरी का। अब मैं यहां से कंट्रोल प्लस राइट एरो करूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी, इसके बाद सारे सेल क्या है, ब्लैंक है, तो मैं मूव कहां कर जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट एरो में। तो मुझे ये चीज नहीं, मुझे यहां पहुंचना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक सेल अपने आप को ऊपर किया और फिर कंट्रोल की मदद से यहां पहुंच के यहां पे आ गया, ठीक है, या तो ऐसे कर लिया या अगर ज्यादा नजदीक है तो मैं कीबोर्ड के बटन से चले गए। अब यहां पे मैं अगेन सम किया फिर ऊपर, फिर उसके बाद क्या दबाया, यहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, एक सेल हमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पूरा अप एरो, ज्यादा सेल सिलेक्ट हो गई तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो, ठीक है, और फिर ब्रैकेट को क्लोज एंटर, ठीक है। इसी तरह का मुझे सपोज करो इस पूरे रेंज का टोटल चाहिए, अप्रैल भी है, यहां लिख दिया मैंने मई, ठीक है, ये हमने लिखा है, तो ये मेरी मई की है, ये मेरी जून की सैलरी टाइप होगी, और मुझे टोटल क्या चाहिए, यहाँ पे जो टोटल चाहिए वो इस सेल, इस ये सेल, ये सेल, ये सेल, साढ़े चारों सेल का चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पे मूव करना था तो मैं यहाँ मूव कर गया, इक्वल टू सम फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मूव कहाँ किया, तो इस सेल पे, और फिर अपने आप को कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के राइट किया यहाँ पहुँच के, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी सेल्स में हम चाहे तो मूव कर सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करोगे आप अपनी एक्सेल में माउस की डिपेंडेंसी को खत्म कर दोगे। अगर आपके, अब आप देखते हैं कि हम सीट के मूव के बीच में कैसे मूव करें। अभी हमारे पास एक सीट थी, हमारे पास दूसरी सीट आ गई, फिर तीसरी सीट है, इसमें हम कुछ लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीट
टू, हमने यहाँ पर लिख दिया सीट थ्री, ठीक है। अब सपोज करो मुझे डायरेक्टली जाना है, मुझे जाना है सीट वन से सीट थ्री, ठीक है, सीट वन से सीट थ्री, तो मुझे ये कमांड देता है एक्सेल, पेज अप एंड पेज डाउन। लेकिन इसको यूज कैसे करना है, तो इसका यूज आपको कंट्रोल की मदद से करना है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करोगे तो आप नेक्स्ट सीट पे पहुंचोगे। अगेन मुझे जैसे मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूंगा मैं अगले वाली सीट पे पहुंच जाऊंगा। फिर वापस मुझे जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली ठीक है तो कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन की मदद से मैं अपनी सीट्स के बीच में मूव कर सकता हूं, ठीक है। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग एक्सेल्स की सेल और सिलेक्शंस के बीच में आप इजीली मूव कर पाओगे, ठीक है। आपका डेटा कितना भी लार्ज हो, अगर आपके पास एंट्री 10,000 की है और आपको यहां से लेके सीधा डायरेक्टली 10,000 रो पे पहुंचना है, तो आप डायरेक्टली इसकी मदद से कंट्रोल प्लस डाउन एरो की मदद से पहुंच सकते हो। बाकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको किसी पर्टिकुलर सेल पे जाना है, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मैं F10,000 पे पहुंचू डायरेक्टली, ठीक है, सेल पे, तो आप यहां पे टाइप करोगे F, ठीक है, F10,000, और जैसे इंटर करोगे आप एक्सेल के F10,000 वाले सेल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसी नोट के साथ हम आज की अपनी ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है एक्सेल में लेके तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर रहिए, आपकी क्वेरी को हम जरूर सॉल्व करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं कि आपको एक्सेल में क्या परेशानी हो रही है, आप एक्सेल के किस टॉपिक को सीखना चाहते हैं।